अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब मेरे भाई दोस्त बिल्कुल ठीक होंगे और अपने परिंदों का ठीक से ख्याल रखते होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है, मेरे पास एक माती है जो मैंने कुछ दिन पहले परचेज़ की एक लड़के से, लगा लें फ्रॉड ही है ये, एक हिसाब से फ्रॉड करते हैं चीज़ का बहुत ज़्यादा हमारे साथ। तो मुर्गी मेरे पास आई है, तो कहता मुर्गी अंडे दे ही रही है, दे नहीं रही, अभी झोली इसकी बन गई, अभी इसने अंडे देने हैं। मैंने कहा ठीक है मान लेते। मैंने मुर्गी 3 दिन अपने पास रखी, जिस दिन नहीं ना मैंने इसकी झोल चेक की तो मुझे महसूस हुआ जैसे इसने अंडा देना। कुछ निशानी होती हैं जो पता चल जाता है मुर्गी ने वाकई ही अंडा देना। बहरहाल मैंने उस दिन रात को छोड़ दिया। मैं अगले दिन मैंने देखा कि मुर्गी ने अंडा नहीं दिया हुआ, तो मैंने शाम तक का वेट किया। मैंने कहा शाम तक देखता हूँ, लेकिन उस दिन मुर्गी के ना आपस में होगी लड़ाई, तो मुझे लगता है उसकी वजह से शायद नहीं दिया, लेकिन ये रीज़न नहीं, क्योंकि इसको अंडा दे देना चाहिए था, टूटा हुआ बेशक देती। आज इसको चौथा दिन स्टार्ट होने वाला, लेकिन अभी तक इसने अंडा नहीं दिया, लेकिन मुर्गी अभी तक बिल्कुल ठीक है, चल फिर रही है, खा भी रही है। लेकिन एक चीज़ जब अंदर है ना, तो आपको पता है दिमाग में वो असर करती रहती है, तो इसको किसी टाइम भी कुछ भी हो सकता है। तो इस जो सिचुएशन को कहते हैं कि मतलब कि एग बाइंडिंग हो जाना मुर्गियों में, ये नॉर्मल चीज़ कब होती है कि जब कोई जिस फार्मर में ज़्यादातर ये चीज़ हो जाती है, क्योंकि वो सही तरीके से डाइट ना दें अगर हम अपनी मुर्गियों को ठीक से डाइट नहीं ना देते तो वो एग बाइंडिंग हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से मुर्गी का अंडा फंस जाता है या रुक जाता है। अब मुर्गी का अंडा निकालने के बहुत से तरीके होते हैं, जिनमें से मैं चंद एक तरीका आपको ये बताऊंगा, इजीली तरीका है तो बताऊंगा। एक आप ये भी कर सकते हैं, एक आप सिरिंज ले लें, ठीक है, उसमें आप जैतून का तेल होता है ना, वो तकरीबन 1 cc भर लें, 1 cc भी नहीं, 0.5 cc से दोनों का तेल भर लें, और इसकी जो वेंट है ना, वेंट वाली जगह में सिरिंज अंदर करके आपने आगे से ना वो सुई उतार लेनी है, सिरिंज आगे से आपने अंदर डाल के तो उसको प्रेस कर देना है सारे तेल को, तो करीबन 15 से 20 मिनट तक मुर्गी अंडा जैसा भी हो वो बाहर निकाल देगी, ठीक है। अगर नहीं निकालती तो फिर आपने क्या करना है, आपने वेंट्री स्टोर पर जाना है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, वेंट्री स्टोर पे आपने जाना है, आपने ये इंजेक्शन लेके आना, ये देखें ऑक्सीटोक्सिन कैप्सूल का नेम है, 50 ml है, ठीक है, ये जस्ट आपको 30 रुपये का मिल जाएगा, 25 से 30 रुपये का। अगर आप ये इस्तेमाल में नहीं आता ज़्यादातर, ठीक है, ये बहुत कम इस्तेमाल में आता है, अगर आप इससे एक ना लगा लें 3 cc वाला भी इंजेक्शन मिलता है छोटा सा, वो आपको 2 या 3 रुपये का एक मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये का मिल जाएगा। अगर आप वो ले लेना, क्योंकि दोबारा इस्तेमाल में तो ये आना नहीं है, अभी मुझे वो मिल नहीं रहा था तो मैं ये ले लिया, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, आपने एक सिरिंज ले लेनी है, ये देखें आपने तकरीबन ये वाली सिरिंज इतनी एक भर लेनी है, और मुर्गी के आपने ना सीने में लगा देनी है, ठीक है, जो सीना होता है ना सीने में लगा देनी है, तकरीबन 2 से 3 घंटे में मुर्गी हीट पे आएगी, जैसे हीट पे आएगी ना, इस इंजेक्शन का काम होता है ये रुकी हुई चीज़ों को ना दोबारा से बहाल करता है, उसको आगे चलाता है, चलाने में मदद देता है, इस इंजेक्शन का ये कमाल है। तो मैं अभी मेरे पास कोई है नहीं है तो मैं आपको लगा के दिखाता, मैं आपको मुर्गी दिखा देता हूँ और उसको ये इंजेक्शन लगाते हैं, जैसे ही वो मुर्गी अंडा देगी, जैसा भी देगी, वो भी वीडियो में आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक मैं आपको मुर्गी दिखाता हूँ, मुझे कैसे पता चला अभी वो ढीली नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने उसकी वेंट वाली जगह पे हाथ लगाया कि अंडा है लेकिन वो दे ही नहीं रही। बाकी इंजेक्शन लगाते हैं, अल्लाह बेहतर करेगा, हमने इसकी जान बचानी है, कैसे भी बचानी है। बाकी मैं मुर्गी दिखाता हूँ, हम दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ फिर जैसे ही ये अंडा देती है। जी दोस्तों, ये मुर्गी है, माशाल्लाह से चेक करें, अच्छी हाइट में है। ये जिससे मैं लेके आया ना, वो लड़का तो है फ्रॉडी, ये पूरा समझ नहीं लगती क्या वो चीज़ें उसने, ये मेरे ख्याल से वो इनको अच्छी नहीं, उसने डाइट अच्छी दी हो ना तो कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सेटअप पे आज तक ये प्रॉब्लम आई ही नहीं है, ये मैं फ़र्स्ट टाइम इसको फेस कर रहा हूँ, तो आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ कि इसको कैसे क्लियर करना। जैसे ही ये क्लियर होता है अंडा देती है, क्योंकि मैंने इसको इसलिए नहीं खोला, मैंने कहा दूसरी मुर्गी ने अंडा दे दिया तो पता नहीं चलना इसने दिया कि उसने दिया, तो इसी वजह से इसको मैंने बंद ही रखा। बहरहाल इसने अभी तक अंडा नहीं दिया, कहीं पे भी मुझे नज़र नहीं आ रहा,
तो बहरहाल इसको इंजेक्शन लगाते हैं, जैसे ही अंडा देगी तो आप दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर की जाएगी। आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो या कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे लाजमी कमेंट करें, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना के आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जो मुर्गी एक बाइंडिंग का शिकार हुई पड़ी थी, इसका बहुत ज़्यादा इशू बन गया हुआ था कि वो मतलब कि अगर एक दो दिन पहले इसका ट्रीटमेंट किया जाता ना तो शायद वो बच जाती। तकरीबन इंजेक्शन उसको लगाया था, इंजेक्शन लगाने के बाद उसने काफ़ी वो लगाया, लेकिन उसकी जो बच्चा दानी थी ना, अंडा दानी वो नहीं खुल रही थी, वो मुर्गी जो है ना एक्सपायर हो गई। उसने इतना दो लगाया कि मतलब कि आप ये कह सकते हो कि ब्लड जिसको कहते हैं, ब्लड की इतनी थैलियाँ बाहर गिरी थी जब वो दो लगा रही थी रात के टाइम पे। तो मैंने कोशिश अपनी तरफ से बहुत की कि ये ना बच जाए, लेकिन उसने जो बच्चा दानी थी बहुत ज़्यादा वो लगा लेंगे, बच्चा दानी कह रहा हूँ सॉरी अंडा दानी वो बहुत ज़्यादा पूरे तरीके से बंद अंडे के पीछे बहुत ज़्यादा अंडे थे, हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, आवाज़ में भी डिस्टर्बिंग हो रही होगी। अंडा आप ये कह सकते हैं कि अंडा जो है ना उसके पीछे भी एक से दो अंडे जो थे वो बन गए हुए थे, जिसकी वजह से वो जोर लगाती थी तो वो भी साथ आगे को आने के करते थे, जिसकी वजह से अंडा दानी बंद हो गई हुई थी। तो मैं आपको ब्लड दिखाना वैसे अलाउ तो नहीं है, तो मैं आपको उसके निशान वगैरह दिखा देता हूँ। उसने काफ़ी जोर लगाया, मैंने कुछ साफ कर दिया था रात ही, तो उसकी जो आंदरें होती हैं ना वो भी बाहर आ गई थी, जिसकी वजह से मैंने मुर्गी को ज़िबा कराना मुनासिब समझा कि यार ज़िबा करवा देता हूँ, ये ना हो गए बेचारी तकलीफ़ की वजह से ना, तकलीफ ही सहती थी जितने दिन भी सहे, तो मैंने उसको ज़िबा करवा दिया। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैं जिस भाई से ले गया था ना उसने लगा लेंगे मेरे साथ ये तीसरी दफ़ा फ्रॉड करने की कोशिश की, वो कामयाब हो गया। अब मैंने उसको मैं अब आपसे क्या कहूँ कि ये लोग इतनी कस्में खा देते हैं, फ्रॉड करते हैं, फ्रॉड मेरे साथ तीसरी दफ़ा उसने करी। दूसरी दफ़ा तो मैं बच गया था, लेकिन तीसरी दफ़ा वो मेरे पीछे भरा रहा काफ़ी देर के, भाई मुझे ना ये दे दो, मेरे पीछे बर्ड्स के पीछे भरा रहा, मजबूरन मुझे बर्ड्स देने पड़े क्योंकि मेरे बर्ड्स को नज़र उसकी बड़ी अच्छी खासी लगी हुई थी, तो मैंने बर्ड्स दे दिए। बहरहाल उसका मुर्गा मेरे पास आया तो वो मेरे मुर्गी के साथ लड़ा, उसका मुर्गा मर गया जो मैं लेके आया उसके बाद से, मुर्गी उसकी बच्चा जो अंडा फंसा उसकी वजह से मुझे ज़िबा करवानी पड़ी। तीसरी मुर्गी ये है, ये वाली जो उसकी है। बहरहाल मुझे बहुत लगा लें कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ, आइंदा एहतियात करूँगा इन चीज़ों से कि मैं मज़ीद उसके साथ कोई रबता ना करूँ, ब्लॉग ही रखूँ। अब दोस्तों मैं भी आपसे यही कहूँगा कि अगर आप किसी से चीज़ उठाते हैं ना, कोशिश करें कि किसी एक्सपर्ट को साथ लेके जाएं, या तो फिर आप उसे ऐसी ब्रीड उठाएं कि जो भी ब्रीड ना कर रही हो, मतलब कि ऐसा बर्ड उठाएं जो ब्रीड कर ही ना रही हो, पट्ठियाँ वो लेके आप उसकी ब्रीड आपको पता होगा आनी। आप ब्रीड वाले जानवर हरगिज़ मत खरीदें। आप दोस्तों से मेरी ये गुजारिश है, मैंने तो जितना अपना नुकसान करवाना था करवा लिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर लाग करना मत भूलिएगा दोस्तों। मुझे आप दोस्तों की बड़ी सपोर्ट है, तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और आगे भी दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए, अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह ताला, कोई अच्छे टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। जो अगली वीडियो आने वाली है वो भी मैं उसमें भी आपको दिखाऊंगा, मेरे पास स्लेटी मुर्गी है उसके भी बच्चे निकले हैं वो भी दिखाऊंगा, और मेरी एक और मुर्गी है उसने भी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हैच करना शुरू कर दिए हैं, 3-4 बच्चे निकले हैं। जैसे ही उसकी हैचिंग पूरी होगी उसकी भी वीडियो मैं आप दोस्तों के साथ अगली वीडियो में शेयर करूँगा।